हमारे साथ पंकज झा भी हैं, रोविंग एडिटर, उनके पास चलते हैं। पंकज, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदन, विधानसभा और विधानमंडल के अभिभाषण के बाद फिर स्पीकर की ओर नजरें होंगी। क्या स्पीकर पहले ही इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद फिर नीतीश के बहुमत परीक्षण की बारी आएगी, या फिर पहले अविश्वास आएगा, प्रस्ताव आएगा स्पीकर के खिलाफ? देखिए, जिस दिन 28 तारीख को नोटिस दिया गया था नंदकिशोर यादव की तरफ से, जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का, उसके बाद से जिस तरीके के बयान आए हैं अवध बिहारी चौधरी के, मुझे नहीं लगता, जैसा अभी आपने कुछ देर पहले उनको टीवी पे देखा भी होगा, जिन्होंने कहा राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में संदेश दिया कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, और जैसा दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है RJD कैंप की तरफ से कि 122 विधायक इसके लिए चाहिए, और अभी कुछ देर पहले JDU के जो नेता हैं नीरज, वो कह रहे थे कि इसके लिए 38 विधायकों के समर्थन की ही जरूरत होती है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नीतीश कुमार सरकार ने उनमें अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, तो अगर उसी वक्त मत विभाजन हो जाता है तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा उनके पास कितना पहुंचता है, उसी विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही साफ हो जाएगी कि अवध बिहारी चौधरी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो मत विभाजन होगा। डिप्टी स्पीकर जो है परमेश्वर हजारी, वो अध्यक्षता संभालेंगे और तस्वीर साफ हो सकती है कुछ देर में। जी डॉक्टर जयंत जिज्ञासु भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आरजेडी के। डॉक्टर जिज्ञासु, ये आरजेडी के दो विधायक कहां चले गए, और चेतन आनंद को लेकर तो कल रात से कितनी बातें हुई हैं वो हम सब जानते हैं, अंदर ही अंदर चल क्या रहा है? कुछ राज खोलेंगे आप या फिर मुस्कुराते ही रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, जो भी विधायक हैं वो पहुंचेंगे। हाँ, और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो आपको सबकी संख्या दिखाई पड़ जाएगी। चेतन आनंद कहां है, नीलम देवी कहां है? उनका तो इलाज चल रहा था, वो तो आज से नहीं, कई दिनों से आपको जानकारी है। बस इतना ही है कहने के लिए। हम लोग कोई हरकत करने वाले लोग नहीं है इसमें, जिनकी विशेषज्ञता है वो अपना काम करें। खेला होने वाला है, देख रही है। हम तो बिहार के हित में काम करते रहे हैं, और स्थापना काल से राजद ने लोकतंत्र की हिफाजत की है, तेजस्वी जी उसी काम में लगे हुए हैं। भाई, ये लोकतंत्र की हिफाजत की बात तो आप आज कर रहे हैं अभी जिज्ञासु जी, अभी तक तो खेल करने की बात कर रहे थे, खेल हो नहीं पाया क्या? ना ना, हम लोग तो कुकर्म को रोकने के लिए अच्छा यहाँ बैठे हुए हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तोड़फोड़ मचाती थी, गोवा से लेके उत्तराखंड से लेके कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश तक, उनकी नींद उड़ी हुई। जैन जी, विधायकों के विद्रोह का भी डर है क्या? आज सदन में खेला होने वाला है, तो जब तेजस्वी यादव ने कहा खेला होगा, तो क्या खेला होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, लोकतंत्र में खेलने के बड़े तय नियम हुआ करते हैं, और उस नियम के विरुद्ध जाके कहीं कोई हरकत होगी तो उसको रोकने का प्रयास होगा। जो स्पीकर है वो वरिष्ठ समाजवादी नेता है, और उनको सारा नियमन विधि सम्मत जो है उसी के अनुरूप वो आचरण करेंगे। आरजेडी विधायकों में धनिकलाल मंडल जी भी स्पीकर होते थे, और जिस पार्टी से थे उसी पार्टी के महामाया सिन्हा की सरकार थी 67 में, और उन्होंने कहा कि दो दिन बढ़ा दीजिए विश्वास मत अर्जित करने के लिए, वक्त नहीं बढ़ाया। ठीक है, डॉक्टर जी जिज्ञासु बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच अहम खबर, केसी त्यागी और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, उससे स्पष्ट है कि हम लोग विजयी होंगे, और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है जिसमें आरजेडी के विधायक रह रहे हैं। इसी से साबित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से अनिश्चितता का वातावरण। नीतीश कुमार कोई धन के बल पर नहीं, अपनी साख के बल पर राजनीति करते आए हैं, लिहाजा कभी कोई विभाजन उनके दल में नहीं हुआ है। इस बार भी उनके विरोधियों को निराशाहत लगी। खेला अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, और खेला की शुरुआत जो की गई है, और 24वें भारतीय जनता पार्टी दिखा देगी। और 24 शब्द का इस्तेमाल नेताजी ने किया था तेजस्वी जी ने, सारी चीजें धीरे धीरे आप देखेंगे। आज सत्ता पक्ष की व्याकुलता, शासन का दुरुपयोग,
सरकारी आवास तक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस का पहुंचना विधायक दल की बैठक में, देश के लोकतंत्र के इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा। क्यों ऊपर कीजिए, मुंह बंद करवा। कोई पॉलिटिकल पार्टी के विधायक दल की बैठक चल रही हो, वहां पर उस दल के विधायक से पूछताछ के लिए वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुलिस बल पहुंचता हूं।